अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस फिर से ब्लॉग स्टार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है हॉस्पिटल। मैं सुबह से बच्चों की से मिला नहीं और मैं इतना थक गया था मैं आके सो गया। तभी जस्ट उठा, अभी नाश्ता किया, अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तहसीन कब आ रहे तुम हॉस्पिटल? अभी शाम तक आएंगे, यानी रैप बनाने की देनी पड़ेगी ना। रैप बनाते हैं, जूस तो अभी लेके आ रहा। सो गाइस जूस तो अभी मैं लेके आ रहा हूँ, नया बन गया मौसम का जूस, जो भी हो लेके आ रहा हूँ। तो चल मम्मी तो, बोले तो अभी चले जा। हाँ? मम्मी बोले तो अभी चले जा। तो गाइस स्टेशनों में अभी जा रहे हैं, तो आंटी भी कब से रात से बैठे, तो आंटी को भी थोड़ा टाइम डिस्चार्ज दे, थोड़ा टाइम आराम देवे, फिर उसके बाद जाता हॉस्पिटल से। और गाइस मम्मी को बच्चे की खुशी के अंदर भूखा चढ़ गई, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो मम्मी अंदर आराम कर रहा बैठे में, इसलिए मैं ब्लॉग भाई बना रहा हूँ। नया पानी लेकर नया पानी ले रहे, फिर मिलता हॉस्पिटल में। मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल में मेरी वाइफ से मिलने के लिए। तो कैसा लग रहा है तुम्हारे को इधर लेटे लेटे? कमर दुख रही है। तुम लेट आ गए। अच्छा लेट आ गए, क्यों? मैं बेबी को इंजेक्शन लगा है, मम्मी लेके गए। आंटी तुझे क्या हुआ था? चार बच्चे थे। हाँ। चारों के पास पैप आई है। उसकी माँ जैसे, उसकी माँ आवाज नहीं कर रही, सिर्फ रोती है माँ जैसे। कौन है? बोले हाय गाइस, हेलो गाइस, हम लोग आ गए यूट्यूब पे। अच्छा मैं नया पानी लेके आया, पटपट पी लो, आराम मिलेगा थोड़ा बहुत, बस आ ही रहे। क्या बुराई कर रहे थे? मैंने तुम्हें सुन लिया आंटी की बुराई। आंटी क्या बुराई कर रहे थे मेरी? अरे कल काजू कतली का डब्बा लेके आए, तो एक काजू कतली निकाला और सबको बोलते तो खाओ, उसके तो कम से कम 10-15 को खिला दिए काजू कतली। अरे मैंने जितने खड़े थे सबको कर रहे थे सबके। नहीं मैम कुछ नहीं मालूम। अरे गाइस इसकी हालत देखने का था, मैं वीडियो डालूंगा इससे पहले, तो मुझे उसकी हालत देखना। गाइस जिसने नहीं देखा ना वो वाले ब्लॉग में आके देखना। तो आंटी आंटी नया पानी दिया, जल्दी जल्दी सब पिला दो। हाँ खुद नहीं पिया ना तो मालूम, खुद खा रहे थे केला ना, सबने केला बनाना त्रीले लाए थे और खुद खा रहे। हाँ आंटी क्यों ऐसा? हाँ इसके लिए लाए थे। हाँ मुश्किल हो रहा ना। हाँ पहुँचा ना तो ऊपर? नहीं नीचे रहती। चलो नया पानी पिला, मैं ऊपर ले लूँ। ये उठेगी, चलो उठो पी लो, अच्छा है मीठा है। मैं उसको बोला गाई, मैं बोला भाई मीठा देना क्योंकि वो बेचारी पेशेंट है, उसका मुँह कड़वा वैसी होगा, उसको मीठा दिया तो फटफट पी जाएगी वो, है ना मुँह कड़वा है ना। हाँ चलो आंटी अभी तुम जाओ, तहसीन आ गई है, थोड़ा टाइम तुम भी आराम कर लो, उसके बाद तुम आना, भाई ड्यूटी है रात को है, जाओ। तुम वहाँ पे आ सीधा मेरे माला के पास, मेरे माला को अकेला छोड़ दिए, जाके सोती नहीं भाग के आए थे। बोलो हाँ कल सोया, देखो घर पे ना, घर पे भी मैं सोया ना, अब बंद बेडरूम में सोए थे, तो मैं बाहर हॉल में सोया ना, तो उसके बच्चे धान घूम धान घूम ग्राउंड में घूमते ही नहीं रही रात भर, सब भारी हो गया मेरा। हाँ हाँ मैं दोनों, मैं सोचा दोनों बच्चे हैं इतनी जगह लेके, मैं बीच में सो जाऊंगा, एक यूं किया एक यूं किया, बीच में सोया, एक जन यूं मुंह पे पैर रख रहा है, एक जन पेट पे पैर रख रहा है। मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि चाय में डॉक्टर ने उनको बोले थे क्या चाय बिस्किट खाने ना, तो डॉक्टर ने 4 बजे उनको बोले थे चाय बिस्किट खाना, तो मैं जा रहा हूँ नीचे। तो कौन सी बिस्किट लेके आऊँ? पार्ले जी। पार्ले जी जी फॉर जीनियस, ऐसे ही बोले जैसा बच्चों को खिलाते ना वैसा बोले, स्किन में पहले से आदत डाली थी। और गाइस अंकल भी नीचे खड़े हैं क्योंकि उनका ब्लॉग का कुछ थंबनेल बनाने का, इसके लिए गाइस ऊपर बना लेते तो रात को कुछ नहीं होता। और क्या ऐप ही नहीं, मैं क्या करूँ? हाँ और गाइस मेरे मालूम नहीं था उनका ऐप है, बाकी बच्चों को देखने वो नहीं है, सिर्फ ब्लॉग एडिट करने आए हैं। अंकल आ चुके, अंकल से पूछते अंकल यहाँ पर बराबर ऊपर नहीं आ सकते क्यों? ऐसा सामान लेके आता हूँ, सामान नहीं ब्लॉग एडिट कराने आए हो, मेरे को मालूम है थंबनेल के लिए पक्का। ये बात है क्या नहीं है? बिस्किट लेने में उतरा नीचे कैमिस में, मेरे खुद ला के जाता हूँ बिस्किट, अंकल देना ब्लॉग के अंदर रहने दे, मैं देख इतना ख्याल रखता हूँ, भले मिलने नहीं आ गया लेकिन काम सब करूँगा। चलो गाइस अभी जाता हूँ अपन का थंबनेल अपन बना के अपलोड करता हूँ, तो 6 बजे का ब्लॉग आ जाएगा गाइस। हर आधे घंटे में मेरे को अलार्म बजता है, टी 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 ना तहसीन? हाँ भूख लगती है। अच्छा सो गाइस बच्चे की रोने की आवाज़ से ना पहली पहली बार बहुत अच्छी लगती है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म आ भी गया, बोलो बच्चा कल हुआ आज फॉर्म आ गया, तभी फॉर्म बनने का बोले जल्दी भरो, बोले 2 घंटे में देने का क्योंकि डेट निकल जाएगी आगे की हो जाएगी, तो मैं ठीक है अभी जल्दी जल्दी भरते तहसीन को मिठाई बनने के लिए। तहसीन जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी करो। बाप देखो बच्चे को उठाने आ गया क्या? देखो मैं पहले से उठाया सबको, मैं नहीं समझ पुराना चावल को बता बल्लू नहीं कर रहे।
मैं तो खूब मानता ना, तो इन्हें आके वहीं कर देता। हाँ माशा किसकी तरह है? मेरी तरह। हाँ बाप बोले भी नहीं मेरी तरह, बाकी सब बोल लो। कोई भी नहीं बोल, नहीं कोई भी नहीं बोलेगा कि मार्ग पर गया कि बाप पे गया। बाप पे गया सब बोलो, कोई था बोला नहीं जो माँ के ऊपर जाता है बच्चा या बाप के ऊपर जाता है। अभी फिलहाल एक महीने तक का है ना, सब पूरे खानदान के ऊपर जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। वो सबका चेहरा ले लेगा एक महीने के अंदर। बस इधर नौशीन सो गई है, तो मैं सोच रहा खाना खा के आ जाओ। बिछा जी सो गई, उसकी कब सुबह होती है कब रात होती है बिछा को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि रात को बच्चा परेशान करता है, सुबह में रिश्तेदार परेशान करते फ़ोन कर करके। और ये देखो और ये भी सो गए। ये हेलो हेलो, मैं आता हूँ खाना खा के। फिर कुछ खाने का है? हाँ चलो गाइस, मैं मिलता खाना खाने के बाद। चलो 4 बज गए, चाय लेके आओ, चाय लेके आओ और बिस्किट तो है। कैसा खाने का मालूम है ना? चलो शाम हो चुकी है तो लिक्विड पे से लेकर आ गए हैं चाय। मेरा हस्बैंड केयर करते हुए बोलो, हर एक चीज मैं ही करूं बस। हाँ तो तुम्हारे को ही करना पड़ेगा ना, बेचारे लोग भी साथ दे रहे, आंटी मम्मी ये लो सब लोग कर ही रहे। मैं भी तो कर ही रहा था, तो फिर ऑफ कैमरा कर रहा था। या चलो खिलाओ, बच्चे का बच्चे की नानी। तो मम्मी क्या लाया तुमने? अच्छा दादी, मैं भूल जाता बार बार। तो क्या लाया बच्चे के लिए? क्या लाया? क्या लाया? मम्मी ने लाया, मम्मी ने लाया है दूध, और ये है बिस्किट, और ये है चाय। मेरे को क्या हॉस्पिटल में देते हैं? तो मैंने बिस्किट तो चाय भी दोनों नीचे से ले लिया, मैं क्या करूँ बताओ। खा लो तुम, दो तीन दिन बाद खाओ तुम, तीन तीन चाचा भाई खाओ। हाँ चलो ठीक, कुछ नहीं मिला तो नौशीन से कर रहे है। ये देखो ये सास और बहू की बातें चालू। मम्मी क्या कहते हैं? ये मेरी बेटी को सबसे बारी हो कि मैं सुहावड़ी की दुआ लगी। दुआ लगती है? हाँ तो सुहावड़ी मेरे को दी है कि नहीं दिए तुमने? ये दी देखिए, मेरे को नहीं देती, बाकी सबको देती दुआ। तो बाकी तो दुआ का भंडार दे दी, दुआ लग गई। हाँ आमिन तो बोलो, तुम्हारे आमिन में कबूल हो जाए बोलो कभी। मम्मी तुम बोलो। अच्छा सो गाइस, तुम्हारे को मालूम करना है लड़का है कि लड़की, तो कमेंट करो तो मैं बताता हूँ बाद में क्या है क्या नहीं। आंटी आ गई, अभी ड्यूटी खत्म हो रही है हमारी, अभी आंटी की ड्यूटी है। आंटी अभी सुबह 6 बजे तुम बैठना। 6 बजे क्या? 12 बजे आए थे झूठे। 6 बजे उठ गया, सुबह में आएंगे तो सुबह तो जाओगे। 12 बजे सो क्या है? मालूम एक चीज इधर ना, इधर सुबह मौसी मौसी बोलते ना, मेरे को सुना दिया नौसी नौसी। हाँ तुम्हारा भी ऐसी होता है? मैं उस वक्त ना कल से नोटिस कर रहा हूँ, मैं बाहर लेबर भी बैठा हूँ, मौसी मौसी मिला, हो गया नौसिंग को, हो गया नौसिंग को, हो गया। मम्मी और टेसिंग की ड्यूटी हो गई खत्म, मम्मी और टेसिंग का हो गया पैकअप। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आगे भी दूसरी तरफ ध्यान रखे, तुम्हें आराम करके मजा आई। Yes, फोन आ रहे थे। हो गया 8 घंटा, ये 8 घंटा में मतलब 16-24 घंटा हम ड्यूटी करते रहते हैं। हाँ क्या पगार दोगे तुम? पगार अरे लोगों के 3-4 दिन से बाल दे, 2 दिन से बाल नहीं बने थे तो आंटी उससे बाल बना रहे। तो कैसा लग रहा था 2 दिन बाद बाल बनाने का? चलो आंटी ये ले लिया, और सूप लाया तुमने जो बोला था तुम्हारे को? नॉर्मल पानी से नहा लेने का, क्योंकि बात नहीं करने गए थे अच्छी चीज़। और गाइस मैंने आंटी को बोला था सूप ले जाओ, क्योंकि अंदर गर्मा एक गर्मी रहेगी ना तो अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा है ना आंटी, मतलब ना गर्मी होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। तो कैसा लग रहा है एकदम? मज़ा आ रही है? जोर का बोला ना, आवाज़ नहीं आती है। हाँ अच्छा चस्का मारा। तो गाइस सूप रेडी है, आंटी जल्दी जल्दी मिला दो। घर का है? हाँ घर का, बाहर का नहीं है गाइस, कोई बोलना मत, हेट कमेंट नहीं करना आंटी को। नौशीन की को हो गई है बहुत ज़्यादा सर्दी। नौशीन ये क्या कर रहे तुम? कब ही रहे देखे? मैं पहले समझ
अच्छा अच्छा से पियो अच्छा टेस्ट है। चलो ठीक अब्बा मम्मी भी आया है सुबह से। अब्बा तो बिजी थे काम पे गए थे। मैं बच्चों में नहीं देखूंगा। नहीं दादा तो कौन देखेगा? वो नहीं देखे तो कौन देखेगा बच्चे को? तो अब्बा बच्चे को हाथ में लेके घूमने। आंटी ने कल मुँह मीठा नहीं किए थे मेरे मम्मी अब्बा का, तो आंटी आज मिठाई लेके आए। बोले खास कर तुम्हारे मम्मी अब्बा को, अंकल है नहीं इसके लिए, अंकल अंकल भी कराते हो। देखो लो लो मम्मी तो पूरा खा गए, बच्चा ही नहीं थोड़ा सा खाना चाहिए था। चलो मैं जाऊँ घर पे, थोड़ा खाना भी नहीं खाया सुबह से, सुबह से यही था तो इसके लिए वो सोच रहा हूँ अंकल को बुलाओ, खाना खा लूँगा होटल में, अंकल और मैं फिर घर पे चले आओ। ठीक है तो अल्लाह हाफिज़। तो गाइस अंकल अकेले रहते घर पे और आंटी यहाँ पर रहते, तो आंटी खाना नहीं बना पाते, तो अंकल अकेले खा नहीं सकते, तो अंकल को इसके लिए मैं होटल में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि होटल में बैठ के खा लेगा तो चार पाँच लोग हो गए तो खा लेगा आराम से। क्या बोलते हैं आंटी? कभी मन नहीं लग रहा घर में, तो सुना सुना लग रहा है। ये सुना सुना है जहाँ मैं जाऊँ अब कहाँ, मेरा दिल हाँ अंकल ये भी एक गाना गाएगा, मेरा दिल ये पुकारे अब नौशीन तू आ जा। गाइस हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और अंकल को मैंने जैसा बताया था हॉस्पिटल में वही सेम चीज है। अंकल को ही भूख लगी है, किसी को अंकल क्या खाओगे? भूखा नंगा समझता है? भूखा नंगा नहीं बोला, अंकल को कहना सुना सुना लगता है, तो अंकल इसके लिए कोई ना कोई साथी ढूंढते खाने के लिए, अकेला खाने अच्छा नहीं लगता। मैंने वही गाना गाया साथ में रहने का मजा आता है। सुना मैंने आज वही गाना गाया, सुना सुना है जहाँ मैं जाऊँ अब कहाँ। खाना हो चुका है, अभी जा रहे हैं अंकल अपने घर पे, मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे। चलो अंकल अल्लाह हाफिज, कल मिलेगा वापिस। खाना खिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाना मेरा खिलाया, तुमने खिलाया, अल्लाह ताला खिलाया, जरिया तू था मेरे भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसी जरिया बनते रहो लोगों का, ऐसी ऐसी दुआ दे। मगर तुम तो लोग ने तुम्हें समझे हो, तो फिर खाना खिलाना पहली बात नहीं है। हाँ तो आज तक तो मैं खिला, आज तूने खिला तो क्या फर्क, तो फिर जीना नहीं का नहीं कभी वहाँ से घर पे नहीं गया, क्योंकि आंटी को कुछ काम था पर्सनल रीजन के लिए, तो मैं हॉस्पिटल आया। तो ब्लॉग में इधर ही एंड करता, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।